अभ्यास है, तो क्या लगता है इस बार मोदी जी या राहुल जी? नहीं, मोदी जी बनेंगे। क्यों, राहुल जी तो पूरी पार्टी के साथ आ रहे हैं, सब लोग गठबंधन करके आ गए, इंडिया गठबंधन बन गया। चोरों की कहीं एक जगह गठबंधन हो सकता है क्या? चोर कैसे, वो तो कह रहे हैं जुमलेबाज और चोर आपका मोदी है। नहीं भाई, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे 10 लोग हों, एक ईमानदार आदमी है, उसको 10 लोग, ये लोग कैसे रहे? ये तो आपको मालूम है, 70 साल में जो नहीं कर पाए मोदी जी ने वो कर दिखाया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मौका मिलेगा इस बार, कांग्रेस जी कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत जवाने से कह रहे हैं, 70 साल इनकी पूरी पूर्णतः सरकार रही, जमीन बना देंगे ऐसा कह रहे हैं वो। अरे तो वो क्या है, कोई जादू सीखे हैं क्या? अरे कुछ तो होगा ना भाई, जादू सीखे हैं तो खुद बन जाए ना प्रधानमंत्री, अपने आप से क्यों सब जनता से मांग रहे हैं? कह रहे हैं रातों रात जो भी कहाँ सरकार होगी, उनका पता ही नहीं सरकार कहाँ बनेगी। ऐसा कुछ नहीं, सब गरीबी खत्म कर देंगे बिल्कुल। सब झूठ है, सब झूठ है, झूठ है। योगी मोदी आएंगे, योगी मोदी आएंगे, योगी मोदी आएंगे। हाँ, एक लाख रुपया खाता में डायरेक्ट कहे नहीं, दीपक पार्टी खुद दिख रहे हैं, दीपक पार्टी खुद दिख रहे हैं, झूठी कह रहे हैं मोदी आएगी, देखो झूठी कह रहे हैं अभी। हाँ, मोदी सरकार बने। अरे नहीं भाई, कहने वो सरकार बने, मोदी सरकार बने। हम दिव्यांग हैं, हमारे माँ बाप कैसे जीवन यापन करेंगे, किस तरह जीवन यापन करेंगे? उनको वो खाली अपनी झोली भर के सारा पैसा विदेश में था, उनका उनसे हिसाब मांगो, उनके पास हिसाब नहीं, सार साल का उनमें सार साल की राजनीति नहीं। तो करे देश को बेच देंगे, देश को बेच देंगे। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है देश को? राहुल गांधी कह रहे हैं, उनसे कहिए सार साल का हिसाब देना, सार साल का हिसाब। समझ नहीं रहे हो, एक लाख रुपया खाता डाले के लिए बोला है। कोई नहीं खाता खुला, दिव्यांगों की आज तक नहीं सुनी गई, खाली उन्होंने झोली भरी, 300 की भीख दी जाती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी हम लोगों की। हम लोग का था सोलह होता था, माननीय मोदी जी ने बहुत कुछ किया है दिव्यांगों का, दिव्यांग रिकॉर्ड बना के हम लोग को बहुत ऊपर तक पहुँचाया। तो क्या नाम है भैया? मोहम्मद आलम। आलम जी, तो इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार? किसकी सरकार? मोदी जी। मोदी जी ही क्यों? मोदी जी विकल्प है और कुछ नहीं, दूसरा कोई नहीं। अभी तो मोदी जी के सब लोग आ रहे हैं, राहुल जी भी आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं, सबका बेकार है, क्यों नहीं जीत पाएंगे? विकास कोई नहीं किया आज तक के जो मोदी जी ने किया। अरे वो कह रहे हैं कि इस बार सब लोग मिलके आ गए हैं और रातों रात लखपति बना देंगे। लखपति कोई नहीं बना पाएगा, ये सब कहने के पास झूठे वादे हैं, झूठे वादे हैं, सब झूठे वादे हैं, झूठे वादे। तो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए से खाते में डालेंगे, क्यों भैया क्या लगता है, झूठ बोल रही है? नहीं, बीजेपी सरकार सच्ची है। क्यों, आप बोलते हैं बीजेपी सच बोलती है? कह रहे हैं भाई, देखो कह रहे देश को बेच देंगे मोदी, हमसे कैसे बेच देंगे, इतना काम क्या देश को बेच देंगे? कह रहे देश को बेच देंगे और बड़े उद्योगपतियों को कर्जा भी माफ किया है, उद्योगपतियों की सरकार है, ऐसा राहुल जी कह रहे हैं, क्या लगता है? वो कह रहे, कहने से थोड़ा कुछ हो जाता है, दिख भी तो रहा, हम लोगों को काम दिख रहा है। नहीं तो फिर ये लोग कैसे कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं क्या? झूठी कह रहे होंगे। क्यों भैया क्या लगता है? सब झूठ कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं और क्या, झूठ कह रहे हैं। आएंगे मोदी ही आएंगे, सारे गठबंधन करके सभी पार्टियां एक हो जाएंगी, जितने सब आज गठबंधन कर ले, 400 पार, 400 पार, तो 400 पार भाई, विश्वास नहीं हो रहा है। क्या चाचा क्या लगता है, अब की बार 400 पार? क्यों 400 पार, वो भी तो कह रहे हैं हम 400 पार, जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। कौन बोल रहा है? अरे राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल जी की जमानत पहले आप दे, रातों रात लखपति बना देंगे। कौन लखपति बना देगा? राहुल जी कह रहे हैं इतने साल से किसको बनाया लखपति, आप कह रहे हैं 50 साल सरकार रही उनकी, उसने किसको लखपति बनाया? पहले वो पति बन ले फिर लखपति बनाएंगे, ये बात नहीं। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि जो है कि देश भेज देगा, 50 साल उनकी सरकार थी, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या किया आप बताएं? 70 साल राज किया है, 70 साल कांग्रेस ने, तभी तो जो है ढूंढ रहे हैं। अब वो अभी कानपुर आए थे, बोल के गया बिल्कुल पक्का है, कानपुर तो अपना सेट है। अरे तो बताएगा ना अभी जून में क्या? क्यों भैया क्या भाई, बात में दम है? मुझे तो नहीं लगता भाई। किन की बात है? ये चाचा जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, सही बता रहे। अरे कैसे मालूम हुआ? और राहुल जी कह रहे हैं नुकसान हो जाएगा, आप समझते नहीं हो, राहुल जी के नुकसान होने से इसमें लिख के दिया जाए भाई, राहुल जी के। आप ये बताइए, यहाँ पर हम लोग सब लोग आए हैं, अब व्यापारी भी आया, इतना आदमी यहाँ पहुंचा हुआ है, किस बदौलत? अरे मोदी की रैली है तो मोदी के, अब वहाँ जो आए तो मोदी की रैली है, तो राहुल जब थे या कोई थे मनमोहन सिंह जी थे तो कौन आता था, तब कौन आता था?
नहीं तो कोई भी नहीं आता था, आज ये आए हैं स्वेच्छा से आए हुए हैं, किसी को कोई दो दो सौ पांच पांच नहीं, किसी को जुमलेबाज बता रहे हैं, जुमलेबाज है मोदी नहीं नहीं, जुमलेबाज जुमलेबाजी भाई साहब कुछ दिन तक चलती है, हर बार ये कि तीन बार बन गए, हर बार जुमलेबाजी चल जाएगी क्या? राहुल जी उसके परिवार के लोग कभी किसी मंदिर में गुरुद्वारे में गए हैं? वो तो जा रहे हैं, देखो अब जा रहे हैं ना, जब गाड़ी निकल गई गंगा नहाने गई थी, अरे अब गए हैं ना, चढ़ावा चढ़ा के अरे तो चढ़ावा तो अब चढ़ा भी मांगा इस बार जीतने का, अरे तो वो तो पिछली बार भी मांगा था। अच्छा अमेठी छोड़कर इस बार राहुल जी रायबरेली आ गए हैं मजबूरी में, चार लोग थे कुल नॉमिनेशन में। अच्छा आप कहाँ है, तो ये इतना गठबंधन सब लोग केवल हंसी के पात्र बने? बिल्कुल है, बिल्कुल खत्म है ये है? कोई भी नहीं खत्म है, आपकी सब खत्म है, अगली बार वो तो कह रहे हैं इस बार मोदी खत्म है, देश बचाओ मोदी भगाओ, अगली बार अखिलेश भी खत्म है, मायावती हो गई, कांग्रेस ऑलरेडी हो चुकी है, आपकी सब खत्म है। मायावती तो अकेले चुनाव लड़ रही है, लड़ने दीजिए, लड़ने में क्या है, नहीं लड़ रही, उनका भतीजा भतीजा लड़ रहा है, लेकिन इस बार कह रहे भाई देश बचाना है तो मोदी भगाना है। मायावती को तो जमाना होगा, हमने देखे हुए भैया, सही लग रहा है, क्या लगता है, सही कह रहे हैं भाई क्या भैया? अरे कह रहे हैं कि मोदी ही इस बार निकलेगा, और निकलना भी चाहिए निकलना, लेकिन वो गठबंधन की सरकार जो उसका क्या होगा, उससे कुछ नहीं होता। राहुल जी रातों रात बिल्कुल सबको लखपति बनाने की बात कर रहे हैं, अरे हाँ 25 रूपए बांटेंगे ना महीने के, 25 रूपए उनका 1-1 लाख रूपए सबके खाते में आ जाएगा, आ जाएगा तब का देखा जाएगा, बहरहाल सरकार नहीं आएगी ना तो पैसे भी नहीं आएगा। अरे कह रहे हैं भाई करेंगे, गलत कह रहे हैं क्या, वो झूठ कह रहे हैं, चाचा मानने वाली बात तो नहीं है। पहले मोदी ने भी कहा था 15 लाख आएंगे तो वही दही आए, 15 लाख दही आए, पहले 10 लाख 1 लाख कहाँ से आएंगे? हाँ भाई क्या लगता भैया, जान जाओ ना, चल क्या लगता भैया? बस ठीक ही है, 400 बार। जय श्री राम, हम मैं गल्ला मंडी नवस्था से आया हूँ। हाँ जी, तो क्या इस बार पूरा मन बना लिए हैं? देश में प्रथम बार पहला यह अवसर है कि देश को इतने यशस्वी देवदूत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले। इन्होंने सनातन को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है, उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का मान सम्मान विदेश में ही बढ़ाया। एक बात में अटल जी की मुझे याद आती है, अटल जी ने यही कानपुर में कहा था घंटा घर की रैली में कि सोनिया गांधी जी ने शादी के लिए देश छोड़ दिया, हमारे अटल जी ने देश के लिए शादी छोड़ दी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंदिर भारत निर्माण के लिए भारत के पुनर्निर्माण के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि रातों रात हम लखपति बना देंगे। राहुल गांधी जी की कौन, 1-1 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे या आलू से सोना हमारे, हमने भी बनाया है, फटी जेब, एक बार ATM से पैसा निकाला है जब नोटबंदी हुई थी, दोबारा ATM में दिखे नहीं, राहुल गांधी दोबारा कभी ATM में नहीं दिखाई दे, उनकी बात कौन सुनता है भैया, बच्चा मानता है, सारे लोग गठबंधन का मुकाबला कर पाएगा? चोर चोर मौसेरे भाई, चोर अपनी अपनी दुकान बचाने के लिए वो सब इकट्ठा हुए भैया, वो तो मोदी को चोर बता रहे हैं, जुमलेबाज बता रहे हैं। आप बताओ, आपने भारत भ्रमण किया होगा दुनिया, आप बनारस चले जाइए, आप अयोध्या जी चले जाइए, आप गोरखपुर चले जाइए, आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाइए, चाहे पात्र ये क्या नाम है उज्जैन जाइए या केदारनाथ हो, पूरा मन बना लिए सब भैया, जन जन में मोदी जी हैं, मन मन में मोदी जी हैं, घर घर मोदी हैं और रहेंगे, बोलो भारत माता की। क्या नाम है भैया? मयंक भट्ट। कहाँ से आए? कानपुर से। मयंक भैया, जैसा ये कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि जहाँ गठबंधन की सारी पार्टियां एकजुट होकर एक साथ आ रही हैं, एक मंच बना रही हैं, वहाँ अकेले मोदी क्या झेल पाएंगे? एक पिक्चर का डायलॉग है, झुंड में तो कुत्ते आते हैं, शेर अकेला आता है, मोदी हमारा अकेला आ रहा है, बाकी सारी पार्टियां मिलके आ रही हैं, आखिर इन पार्टियों ने कांग्रेस से ही अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी, क्या जरूरत पड़ी कि सब एक साथ आना पड़ा, अब क्यों सबके सब साथ आ रहे हैं? लेकिन राहुल जी एक सवाल कह रहे हैं सभी लोगों से कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, हमारी सरकार बनती है, तो हम 1-1 लाख रुपए सभी के खाते में डालेंगे। राहुल गांधी पहले अपनी व्यवस्था कर ले, बाकियों की व्यवस्था की चिंता मोदी जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबके यहाँ के जेवर निकलवा के जो है, आखिर क्यों राहुल गांधी को जरूरत पड़ी कि अमेठी से छोड़ के भागना पड़ा? राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी कि आखिरी दिन उनको रायबरेली जाना पड़ा? बोल रहे हैं कि हम आए नहीं है, हमको बुलाया नहीं है, हमको मम्मी ने भेजा है लड़ने के लिए रायबरेली से। जी आपको लगता है बिल्कुल अनिल पाल क्या लगता है?
आपके बार 400 पार। खड़गे जी भी बोल रहे हैं, ये नारा तो, ये नारा तो अखिलेश भी दे रहे हैं, ये नारा तो राहुल जी भी दे रहे हैं यार, 400 पार हम भी जा रहे हैं। हाँ तो भाजपा के 400 पार जा रहे हैं, राहुल जी यही बोल रहे हैं। अरे सबको विश्वास है कि भाजपा 400 पार जा रही है। हम सब मिल के आ गए, इस बार मामला पार करते, मोदी भगाओ। वो सब लोग मिल के पूरा प्रयास जो भी चल रहा है, इसको भगाओ यहाँ से। बेचने वाले, जो बेचने वाले लोग हैं गठबंधन, वही लोग कर रहे हैं अभी। और जो मोदी जी हैं वो देश को बचाने और बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए फर्क है इंडी गठबंधन में और भाजपा सरकार में और मोदी जी में। मोदी जी देश को बचाने और बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो देश को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, क्या नाम है भैया? हृदय सिंह, जिला संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, दिव्यांग प्रकोट। बताए बताए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने, इसके बाद दिव्यांग जनों को सर्वांगीण विकास करने भारत वर्ष में एक नंबर काम किया, आज तक इस सरकारों ने नहीं किया। ये बात नहीं मानेंगे आप, जो सरकारें थी ये सपा गवर्नमेंट में भी ट्राई साइकिले बांटी गई है। विकलांग ट्राई साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये उपकरण की बात कर रहा हूँ। जो विकलांग ट्राई साइकिल चला थक जाते थे, अब की बार 400 पार। क्यों क्यों? क्योंकि मोदी जी के सिवा कोई है ही नहीं। थे मोदी को जुमला बात बता रहे हैं, जुमला बात है ही नहीं। जो उन्होंने किया, जो कहा वो करके दिखाया। जो मेरी बस्तु जारी किया है कांग्रेस ने, वो कह रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन जो है कि हम 1-1 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, वो तो राशन दे रहे हैं फ्री में, और क्या चाहिए? राशन बंद कर देंगे तो क्या करेंगे? जो राशन बंद कर देंगे तो उन्होंने इतनी सुविधाएं कर दी, आदमी स्वयं कमाएगा खाएगा, जरूरत ही नहीं है। अब देश डिपेंड नहीं है, अब देश स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। देश डिपेंड नहीं है, देश स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। अभी बात है, दीदी बताएंगे। दीदी आपकी बात किसकी सरकार, क्या बताएं किसकी सरकार है? जिसको वोट देंगे वही सरकार। तो वोट तो गुप्त होता है ना? नहीं, वोट गुप्त होता है, लेकिन सरकार किसकी बना रहे हो? हम मोदी नहीं बना रहे। किसी की सरकार नहीं बना रहे हो? मोदी को तो नहीं बनाएंगे हम, नहीं देंगे। अपने मन की बात आप कहो। हमारे मन की बात यही है, मोदी को नहीं देंगे, क्योंकि पूरा जीवन तो बर्बाद, बेरोजगार हो गए। राहुल जी ने जो कहा है वो बात सही है, 1 लाख रुपए खाते में डालना। खाली 1 लाख से क्या है, कुछ रोजगार भी तो चाहिए। रोजगार के लिए मोदी ने रोजगार नहीं दिया और क्या। लेकिन एक बात, मोदी ने कहा रोजगार सभी ने ले लिया, हमसे तो ले लिया सभी ने। लेकिन दीदी एक बात बताइए, जैसे गठबंधन सरकार है तो गठबंधन सरकार में बराती तो सारे इकट्ठे हो गए हैं, दूल्हा कौन बनेगा? यही तो बात है कि सारे जब गठबंधन में हो गए, पहले गलती इन्होंने कर दी है, अब वो तो बहुमत से, हमें उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुनना तो सबके चाहिए। वो जो बोल रहे विकास हो, विकास हो रहा है तो विकास हो रहा है। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में विकास होगा? गठबंधन में क्यों, हम किसी को नहीं कह रहे गठबंधन में, लेकिन 5 साल में एक कोई भी बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए बस। सरकार इस बार बदलना चाहिए, सरकार 5 साल में बदलनी चाहिए। कौन सी सरकार आनी चाहिए? कौन सी सरकार आनी चाहिए? जो भी आएगा वो 5 साल के लिए, जिसको आप लाएंगे वही आएगा। जो 5 साल के लिए आएगा, कोई भी है 5 साल, चाहे कांग्रेस आए, चाहे 5 साल बीजेपी आए, या 5 साल अदरवाइज जो भी हमारा, तो इस बार तो सारे एक मंच पे आ रहे हैं। 5 साल के लिए आएगा ना, तो काम अपने आप होगा, बहुमत से जो आता है वो कोई नहीं करता, वो कोई भी नेता हो। आइए हम अंदर बात करते हैं जी, बताएं इन्हीं का मकान है। बताए सर, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, 400 पार 420। अरे ये बात तो राहुल जी भी कह रहे हैं, कहने से क्या होता है? अरे राहुल जी अपनी बचा रहे हैं कि हम लोगों को करने आएंगे? आपने सुना नहीं है? हाँ। 1-1 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे, गवर्नमेंट आएगी उनकी सरकार बनती है तो गठबंधन सरकार। वो तो दुनिया भर के इल्जाम, वो तो कह रहे थे आलू डालेंगे सोना निकलेगा, वो कह रहे सारे लोग एक मंच पे आ गए इस बार। इस बार मोदी को भगा करेंगे, मोदी भगाओ देश बचाओ, सारा एक मंच, और मोदी 100 गुना उससे ज्यादा। उनकी सरकार कितने साल रही, उतने साल क्यों नहीं किया उन्होंने ये सारा काम, क्यों नहीं बटवाया? क्या लगता है भैया? देखिए 400 पार का तो पता नहीं, मगर जीतेंगे मोदी जी। 400 पार का पता नहीं है? हाँ, मगर जीतेंगे मोदी जी। जीतेंगे मोदी जी, जीतेंगे मोदी जी। हैं? हाँ बिल्कुल। और लोगों से बात करता हूँ, आगे आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र अरोड़ा है। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? हर बार मोदी सरकार। अरे दावे तो राहुल जी भी कर रहे हैं। राहुल जी के कहने से क्या होता है, हर बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा है कि 1-1 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। कभी नहीं आ सकते हैं। क्यों? संभव नहीं है क्या? मोदी को देंगे अब वोट,
हम तो मोदी को वोट देंगे, संभव नहीं है चाहे पेट्रोल 400 रुपए लीटर हो जाए, हम तो देंगे मोदी को वोट चाहे 400 रुपए पेट्रोल लीटर हो जाए। अरे दीदी बताएंगे, दीदी बताएं आप बताएंगे आपकी बात किसकी सरकार। देखो बहनों को हमारी दीदी को इस सरकार में कोई फायदा मिला है कि नहीं मिला है? बहुत मिला है। मिला है फायदा, क्या फायदा मिला जैसे? अरे बहुत मिला है हर जगह पे मोदी जी। तो आपकी बार मोदी सरकार, मोदी सरकार और आपकी बार नहीं, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। ये चाची बताइए, देखिए ये बैनर दिखाइए, बैनर दिखाइए, ये देखिए देखिए ये देखिए कहाँ जान तुम्हारा। हाँ इसको नीचे कर लीजिए। तो चाची इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। ये बैनर आपने लगा रखा है गठबंधन सरकार के लिए, तो उसमें सारे गठबंधन सरकार वाले, बसपा तो अलग से चुनाव लड़ रही है, मोदी आएगा, मोदी सरकार। कोनो फायदा चाची मिला है माँ? फायदा ना मिले, देश को तो फायदा मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं देश बेच ले है। कोई ना बेच रहा देश है, अरे देश बचा रहा है। अरे दे राहुल कह रहे देश बेच ले, बेचा नहीं देश, मोदी में मोदी की आँख गुजरात की। कह रहे हैं मोदी मोदी भगाओ देश बचाओ, नहीं मोदी आएगा। चोर है मोदी बता रहे, जुमलेबाज है, नहीं नहीं झूठे वादे करता है। मोदी आएगा कुछ भी कर लो। क्यों सरकार? बीजेपी। क्यों बीजेपी है? तो है राहुल गांधी, क्यों नहीं राहुल गांधी? इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि बहुत फेमस नेता है। नहीं है तो ठीक है, लेकिन मोदी ब्रांड है, मोदी को इसलिए बनना चाहिए क्योंकि मोदी ने बहुत काम किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। जिस उम्र में मोदी जी हैं शायद उस उम्र में कोई घर से नहीं निकलता है, इसलिए मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। शास्त्री नगर सिंधी कॉलोनी। हाँ आपकी बात किसी सरकार? मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? क्यों नहीं मोदी? राहुल जी को नहीं, राहुल नहीं। अरे गठबंधन करके सारी सारी पूरी पार्टी एक मंच पे आ गई है, तो देश का विकास करेंगे हम, मोदी भगाओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं 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 मोदी आएगा। रातों रात गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, आएगा मोदी आएगा। रातों रात गरीबी हटा देंगे, मोदी जीतेगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी मोदी को तुमने नहीं है, ये नहीं है, उनके डिक्टेटर बोल रहे हैं। मोदी आएगा, मोदी तुमने बात दी, 1,00,000 रुपए मोदी है, सच्चाई है, मोदी है तो सच है। सब हैं और 1,00,000 रुपए सब खाते में डालेंगे। ये सब बहकावा है, सब बेकार है, सब सरकार हाथ को क्या है, गलत है, गलत है, ये तो नहीं कोई चाहे छीनी जाएगी। अरे इस बार अगर सरकार बन गई मोदी की तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, सुरक्षित रहेंगी। जो देखा अभी अभी जो रेप, क्या दीदी क्या लग रहा है? मोदी मोदी की सरकार। अरे बता रहे हैं कि जो राहुल जी सरकार बन गई तो उसमें बहुत सारे लाभ इस बार दिए जाएंगे। राहुल जी कह रहे हैं 1,00,000 रुपए खाते में डाल देंगे और गरीबी ही हटा देंगे। हमें नहीं चाहिए 1,00,000, हमें सिर्फ मोदी ही चाहिए। जुमले वाली सरकार है, जुमले बाद सरकार है, मोदी के अलावा कोई नहीं बनता, कोई नहीं बनता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राहुल जी ने भी कहा है, मैंने फर्स्ट जारी किया है कि रातों रात गरीबी हटाई देंगे बिल्कुल। अरे दादा इतने साल कहाँ थे, गरीब क्यों रहे? अब हम सारे मंच में मिलके नहीं, नहीं। उनके पिताजी नहीं हटा पाए, उनके दादाजी नहीं हटा पाए, उनकी दादी जी नहीं हटा पाई। राहुल जी कह रहे हैं हमारा पूरा परिवार शहीद हो गया इसी भारत के पीछे, गरीबी नहीं हटा पाए, गरीबी नहीं हटा पाए। इस बार कह रहे सारे लोग मंच पे आ गए हैं, एक मंच पे आ गए हैं, इस बार हम बिल्कुल गरीबी हटा देंगे। वो कभी भी हिंदुत्व के लिए नहीं लड़े, उन्होंने कभी भी राम मंदिर के लिए मेहनत नहीं की, उन्होंने पूरे पूरे हिंदुओं को बिखेर कर भी गए थे। अरे तिलक भी लगाया था, आएगा तो मोदी। आज की तारीख में हिंदू तो सबसे बड़ा मुद्दा है, आएगा तो मोदी। भैया क्या लग रहा है? मोदी अब की बार सरकार,
मोदी सरकार, मोदी सरकार। राहुल जी क्या समझ में नहीं आ रहे हैं क्या है? राहुल जी की बात समझ में नहीं आ रही क्या? वो लोग मैंने फिर तो जा ही नहीं है ही नहीं, विपक्ष ही नहीं है, विपक्ष ही नहीं है। नहीं वो तो कह रहे हैं इस बार कि हम आ रहे हैं पूरी तरह से बहुमत से आ रहे हैं और सारे गठबंधन करके, इंडिया गठबंधन करके पूरी पार्टी एक साथ आ रही है इस बार। जिसने विकास किया वही जीतेगा। इस बार किसकी सरकार? आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार मोदी सरकार 400 बार। क्यों? अनगिनत काम है, गिनती नहीं की जा सकती। देखिए राहुल जी का दावा है रातों रात राष्ट्रपति बना दे, गरीबी हटा ही देंगे बिल्कुल। आप स्वयं देखिए रातों रात तो नहीं हो सकता। इनका जब से भाजपा बने है तब से इनका पहला होता कि हम कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, तब से ना। अब ये लोग सरकार में आ जाए हैं तो जो काम किए थे परसों पहले जो कहे थे आज वो सब कर रहे हैं, चाहे वो धारा 370 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो भी इन्होंने वायदे किए थे आज वो सब वायदे किए। और जहाँ देखो वहाँ मोदी मोदी है, मोदी की रैली तो मोदी तो होने होने। डेफिनेटली मोदी जी विल बी प्राइम मिनिस्टर। गठबंधन क्या करेगा? आपस में लड़ेगा। अरे हाँ वो आएगा तो मोदी। नहीं दीदी बताएगी इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? कोई लाभ मिला मोदी सरकार? क्या लाभ मिला है? क्या लाभ मिला है? मिला नहीं है। राहुल जी तो कह रहे हैं एक एक लाख पागल है, पागल है। अरे नहीं वो गठबंधन सरकार बनाए उसको प्रधानमंत्री दीजिए, जो है प्रधानमंत्री का वैसे है। प्रधानमंत्री बनेंगे तो बनेंगे, वो करे रातों रात गरीबी हटा ही देंगे एकदम। अच्छा कोई गरीबी नहीं रहेगा, 70 साल से गरीबी है ही, कहाँ गया है वो? करे गरीब नहीं रहेगा इस बार भी सरकार बन जाएगी तो रहने दीजिए, नुकसान हो जाएगा। मुंह का और का जुबान का कोई लगाम है? अरे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए आपको? हमको नहीं चाहिए रुपया। नहीं चाहिए क्यों भैया? हाँ 1 लाख रुपए नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए है? नहीं चाहिए। गरीब को हटा रहे हैं बिल्कुल, गरीब को हटा रहा है ना। हाँ। गरीबी नहीं हटा रहा है, गरीब को हटा रहे हैं, गरीब को हटा, गरीब को हटा दिया। हाँ गरीबी नहीं हटाया, राहुल गांधी बहुत बोलता है ना, डिबेट में आ जाए ना एक बार, उनकी मम्मी जो बैठती है ना जो ऐसे 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 करती है ना, आ जाए ना एक बार। तो राहुल आ गया था कानपुर तो आए ना हमसे बात करें ना। आज उन्होंने कहा था कि इस बार कानपुर मेरा है। कौन कहता है? कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता भैया, कर्म करने से होता है। बड़ी मेहनत जारी की, बहुत बड़ी वाली। ऐसा है कि जो काम मोदी ने कर दिया ना उनको करने में बहुत बहुत साल लग जाएंगे। उन 55 साल उनके परिवार राज किया है, कांग्रेस ने ही राज किया है 10 साल तो अभी फिलहाल उन्होंने राज किया है। क्या किया उन्होंने? क्या किया आपके देश के? सेना का कोई जवाब नहीं था, कोई शिक्षा नीति नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी इनके जमाने में। हम तो उन्हीं के परिवार सरकार मारे हुए आदमी हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी को बोलने ही नहीं आता है क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। जिसको भारतीय संस्कृति का ज्ञान होगा वो नोट नेता इस तरीके से नहीं बोलेगा। भारतीय कल्चर क्या कहता है ना, उनके किसी भी परिवार का होता चीज नहीं पाया जाता है। सबसे पहले कहते हैं वो जिसका जितना जनसंख्या उतना हिस्सेदारी, तो क्या भारत के पास होगा? तुम्हारा कितना जनसंख्या है? नहीं नहीं सुनिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जरा सुनिए। उनका कितना है, उनका कितना हिस्सेदारी है, वो क्या चीज है? वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है? अपना तो पहले कहते हैं भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है तो भारतीय बनकर रहे ना। कोई नहीं कहता कि भारतीय ना है। को भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी उन्होंने, क्या चीज कर जोड़ा है पूरा भैया? सेना पर सवाल उठाने वाले सुनिए, मोदी कोई भी काम अच्छा करता है उस पर मैं सवाल उठाने वाले। आज आपके देश विदेश में जो मान मर्यादा बढ़ा है उस पर भी समान उससे जलने वाले, उस पर मैं सवाल उठाने वाले। ये कौन सी तरीका होता है विपक्षी का? जो काम अच्छा है तो कहो अच्छा है। आपके दादा परदादा दादी देश को बेच देगा मोदी, मोदी हटाओ देश बचाओ।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उद्योगपतियों की सरकार है, क्या है? कुछ नहीं है। देखो भारी आदमी है, भारी का बहन करेगा आदमी, लेकिन उनको नहीं लाएंगे। एक लाख रुपए खाते में आएगा? नहीं आएगा यार, हमें नहीं चाहिए एक लाख रुपया। हम पाँच, हमें पाँच पैसा कमा करके इन्हीं के साथ रहना है, बीजेपी के साथ बिल्कुल रहना है। शांति से तो है ना, शांति तो है ना। उधर तो बम नहीं फूटता है, उधर बम नहीं फूटता है, उधर नहीं पनो, उधर नंगा नच, ये तो नहीं होता है ना। शांति से कमाते हैं, प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, दो पैसा कमाकर शांति से है। कानपुर से ही है, कानपुर से है। क्या लगता है इस बार आपकी बार 400 पार? ये तो राहुल जी भी कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा। अब देखिए क्या होता है, वैसे आपकी बार 400 पार, 500 पार, 400 पार, हमेशा पार। जय जय भारत माता।